सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं चांदनी चौक हॉल, जिसकी वीडियो हम दो पार्ट्स में डालने वाले हैं, जिसके अंदर मैं चांदनी चौक से क्या क्या लेकर आई हूँ। पहले मैं आपको वो वैरायटी बता देती हूँ। अनस्टिच सूट है, सेमी स्टिच है, और प्लाजो पैंट सूट है, प्लाजो वाले सूट है, शरारा सूट है, कुर्तीज है, साड़ीज है। तो इन सब का मैं हॉल बनाने वाली हूँ, क्योंकि फेस्टिवल्स आने वाले, तो हमने सोचा कि अभी हम शॉपिंग कर लेते हैं, बिकॉज मम्मी कह रही थी कि बाद में बहुत ज्यादा रश हो जाता है। और इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि चांदनी चौक का भी माहौल कैसा चल रहा है, वहाँ पे आप जा सकते हो आफ्टर कोरोना, नहीं जा सकते हो, तो सब कुछ हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, ये बात तो मैं बोलना भूल ही गई कि हमारे 1K सब्सक्राइबर्स हो गए थे, तो हमने आप लोगों के लिए कुछ नहीं करा। तो हम वीडियो के अंदर क्या करेंगे, जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे ये सूट्स वगैरह हमारे पास रखे हुए हैं, उनके हम नंबर्स मेंशन कर देंगे। तो जो भी आपको सूट पसंद आए उसका नंबर प्लस अच्छा सा एक कॉमेंट, तो हम एक रैंडमली पिक करेंगे और फिर हम उस बंदे को खुद ही सूट देने के लिए जाएंगे। तो ये हमारा एक गिव अवे है, जो हम इस पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में से हम जो वीडियो है इसी के अंदर से हम देने वाले हैं प्रोडक्ट। सो गाइस, मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ और बहुत नर्वस भी हूँ, क्योंकि ये सब कुछ काम हम पहली बार करने जा रहे हैं, हम एक गिव अवे पहली बार रखने जा रहे हैं। तो किसी से पर्सनली मिलना मतलब कि बहुत एक मतलब खुशी की बात तो होती है, बट एक अंदर से नर्वसनेस भी फील होती है, बिकॉज आई एम अ शाय पर्सन, और मैं कैमरा शाय पर्सन भी थी, अब तो वीडियो बना की आदत हो गई है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड कि ये पहला गिव अवे होने वाला है हमारा। तो जो भी हमारे से पहले, हम जिसके पास भी जाने वाले हैं, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वो फर्स्ट पर्सन होगा जिसने हम पहली बार ही वीडियो में गिव अवे उसको देने वाले हैं। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं सूट दिखाना। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं वहाँ से क्या लाई थी। तो मेरा फर्स्ट सूट है ये, जो मैं वहाँ से लेकर आई हूँ। ये है मेरा फर्स्ट सूट, ब्लैक कलर का है, इसमें ये बॉर्डर के साथ वर्क आ रहा है। किसी को अगर बिल्कुल प्लेन रखना हो तो यहाँ से उसको हटा भी सकता है, वो सबकी अपनी चॉइस होती है। ये इसका दुपट्टा है, इसका दुपट्टा बहुत सुंदर लगता है मुझे। एक सेकेंड, गलती से उतर गया। इसका दुपट्टा ये है, और बॉटम के अंदर भी सेम बॉर्डर आएगा इसका, और क्या नाम है, ऑल ओवर ये ब्लैक सूट है पूरा का पूरा, क्योंकि इसका दुपट्टा इन्होंने ऐसे प्रिंट में दे दिया दूसरे में, तो इसलिए पूरा का पूरा प्लेन है। कॉटन में सूट है, मेरे मोस्टली सूट जो होने वाले हैं वो सारे कॉटन के अंदर होने वाले हैं, तो ये प्योर कॉटन के अंदर सूट है, इसका ब्लैक बॉटम भी प्योर कॉटन के अंदर। तो गाइस, प्राइस और सूट नंबर ना आपको लेफ्ट या राइट साइड पे कहीं पे हम मेंशन कर देंगे, आप वहां से देख सकते हो। सो गाइस, अब बढ़ते हैं सेकंड सूट की तरफ। तो ये है मेरा सेकंड सूट। हम मोस्टली कलर ना ऐसे नए हैं, जो मतलब कि ऑफिस वेयर वगैरह मेरी जो फैमिली में है वो पहन सके। इसका कॉन्ट्रास्ट में ये बॉटम भी है, और दुपट्टा बॉटम की मैचिंग का है, ये देख सकते हो। और दुपट्टे पे फोर साइडेड मतलब बॉर्डर लगाया हुआ है, और यहाँ पे बहुत प्यारी सी कढ़ाई करी हुई है, और इसमें बॉटम में ये वर्क है, और इसका बॉटम आप यहाँ पे देख सकते हो, ये पिंक कलर में इसका बॉटम है, सेम उसके कलर के साथ दुपट्टा। सो गाइज, ये है मेरा प्योर कॉटन का थर्ड सूट, जो कि काफी अच्छा है, डेली यूज के हिसाब से मम्मी अपने लाई थी। इसमें यहाँ पे टेसल्स लगाई हुई हैं, और ये प्रिंट के साथ यहाँ पे थोड़ा कढ़ाई करी हुई है, ये कढ़ाई है, ग्लिटर वर्क नहीं है, कढ़ाई करी हुई है। और इसका दुपट्टा आता है ऐसे मैचिंग में, ब्लू ही इसकी बॉटम है, प्योर कॉटन में इसकी बॉटम है, और इसपे ऐसा बॉर्डर लगा हुआ है कुर्ते की मैचिंग के लिए। और आपको मैं बॉटम दिखा देती हूँ, तो बॉटम ऐसी है, ये आपकी बॉटम है कॉटन की, ये मेरी बॉटम आई हुई है। तो सो गाइस, नेक्स्ट सूट की बात करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। ये जो मैं बॉटम बोल रही हूँ, बॉटम का मतलब जो सलवार वाला जो कपड़ा होता है उसकी बात मैं कर रही हूँ। और जो मैं बोलूंगी ना, अगर सूट के नीचे का क्या काम हो रखा है, तो मैं उसको क्लियरली बोलूंगी कि सूट के नीचे देखो ये काम हो रखा है, तो वहां पे कन्फ्यूजन मत लाना। तो मैंने बाकी तो आपको क्लियर कर ही दिया है, आगे बढ़ते हैं। और सारे सूट ना अपनी एक अलग स्टेटमेंट देते हैं, जैसे कि ये सूट है ये अपनी अलग है, ये पार्टी वेयर सूट है, जिसके दुपट्टे में यहाँ पे टेसल्स लगी हुई है, और पूरा यहाँ पे सीक्वेंस का काम है। और आपको मैं एक बात और बताना चाहूंगी, आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको जरूर बताऊंगी कि कभी भी आप ऐसे सीक्वेंस वाले सूट लेते हो ना, जिसमें ऐसे छोटे छोटे स्टोन वर्क हो रहा हो, सॉरी सीक्वेंस बोले मैंने, स्टोन वर्क हो रहा हो, तो इनको स्टिच कराने से पहले जब आप इनको उल्टा करके प्रेस मार दोगे ना, तो ये ना फिक्स्ड हो जाता है, ये ना निकलते नहीं है बाद में। और बाकी तो आप देख ही सकते हो, इसका भी ना बॉटम जो आएगा वो इसी कलर में आएगा, ब्लू कलर में आएगा, ऑल ओवर सेम सूट है ये। और इसके यहाँ पे बहुत सुंदर सा यहाँ पे इन्होंने जरी वर्क के साथ यहाँ पे स्टोन्स का काम किया हुआ है, और दुपट्टे के अंदर इन्होंने फोर साइड बॉर्डर लगाया है, जिसके अंदर इन्होंने सूट के नीचे यहाँ पे इन्होंने ऐसा बॉर्डर दिया है। ऐसा बॉर्डर नहीं है कि गोल्डन कलर का गंदा सा बॉर्डर दिया हो जिसको आपको हटाने की नीड हो, और पूरे सूट के अंदर इन्होंने छोटे छोटे स्टोन्स का वर्क दिया हुआ है। और मैं एक बात और बोलना चाहूंगी, ये जो इन्होंने दुपट्टा दिया है ना, ये दुपट्टा ना तो ये है मुस्लिम के अंदर दुपट्टा दिया हुआ है, जो कि काफी सुंदर लगेगा जब कोई इसको वेयर करता है।
सो गाइस नेक्स्ट सूट मेरा ये है। इसके अंदर क्या हो रखा है, इसके अंदर धागे की कढ़ाई हो रखी है, जिसने सीक्वेंस ने क्या कर रखा है उसको ना और ज्यादा सुंदरता दिखाने के लिए इन्होंने यहाँ पे सीक्वेंस दे रखा है ताकि ये थोड़ा शाइन करे। कॉलर वाले गले हैं, सब में इतने सुंदर सुंदर बटन लगे हुए हैं। और इसमें सबसे खास बात जो मैं दिखाने जा रही हूँ वो है ये, इसमें स्लीव्स, इसकी स्लीव्स का क्या है कि कपड़ा कम नहीं पड़ने वाला क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने फुल स्लीव्स दी हुई है जो कि मेरे जैसे मोटे हाथ वाले बंदे बाहर जाते हैं तो सबका हाथ दिखती है। ये आप देख सकते हो इतनी स्लीव्स दी हुई है। तो ये था मेरा कुर्ता। अब मैं इसके बॉटम को दिखाती हूँ आपको। इसका बॉटम भी ऑल ओवर है, ये वाला सूट इसका बॉटम है ग्रीन कलर का, इसका बॉटम है, ये इसका बॉटम है, प्योर कॉटन के अंदर इसका बॉटम आ जाता है। ये थोड़ा मेरा महंगा सूट है इसलिए इसकी क्वालिटी भी थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है। ये है इसका दुपट्टा फोर साइडेड बॉर्डर्स के साथ जो कि ऐसे इसके साथ ऐसा लगने वाला है। बॉटम इसकी है, ये दुपट्टा ये जरी वर्क हो रखा है, ये प्रिंट नहीं है, ये जरी वर्क है। और इसमें इसकी क्वालिटी तो सही से पता लग जाती है, उन्होंने यहाँ पे डबल वो कर रखी है, बाकी में आपको किसी में भी ऐसी चीज नहीं मिलने वाली। बॉर्डर के नीचे इन्होंने ऐसे लगा जैसे महंगे महंगे लहंगों के अंदर होती है, तो बॉर्डर भी काफी चौड़ा और बहुत हैवी गेटअप मिलेगा जब ये सूट के साथ ऐसे चुन्नी इसके साथ ऐसे आएगी, ये आप देख सकते हो। सब आते हैं नेक्स्ट सूट के ऊपर। सो गाइस नेक्स्ट सूट मेरा ये है, आप देख सकते हो इसको, ये है मेरा खादी कॉटन के अंदर, ये है ऑफिस वर्किंग सूट है मेरा, जो लोग ऑफिस आते हैं उनके लिए बहुत बेटर सूट होता है। यहाँ पे इसमें बटन के साथ इन्होंने थोड़ी क्रिएटिविटी दिखाई हुई है। इसकी जो बॉटम आ जाती है वो मैं आपको अलग से दिखाती हूँ, एक सेकेंड। इसकी बॉटम है ऑरेंज कलर की, इसकी बॉटम है जो कि है मेरी ये बॉटम, ये मेरी बॉटम आएगी इसकी, आप देख सकते हो इसको क्लियरली। और इसका जो दुपट्टा है वो मैं दिखाती हूँ, उसका दुपट्टा है स्टॉल स्टाइल दुपट्टा, इसका स्टॉल स्टाइल दुपट्टा आएगा जो कि मैं लेने के बाद ऐसा लुक कुछ देगा। यहाँ पे इसमें फुन्ने टाइप कुछ ऐसे इन्होंने दी हुए है, कॉटन में ही इसका दुपट्टा आ रहा है तो ये इसके साथ ऐसा लगने वाला है, ऐसा कुछ लुक आएगा जब आप दुपट्टा बॉटम और सब कुछ साथ में पहनेंगे, ये लुक आएगा। सो दिस इज माई नेक्स्ट सूट जो कि काफी प्लेन काफी सिंपल और सोबर है, जो लोग सिंपल और सोबर के लिए जाते हैं उनके लिए है। यहाँ पे इन्होंने छोटा सा पेच वर्क कर रखा है, पेच वर्क के साथ इन्होंने ग्लिटर की कढ़ाई करी हुई है, कढ़ाई है ग्लिटर वर्क नहीं है, पेच के साथ यहाँ पे छोटा सा जरी वर्क आ रहा है। यहाँ पे छोटे 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 स्टोन स्टाइल बटन लगाए हुए हैं, गला इनका बना हुआ है, नेक पीछे की भी बनी हुई है, सेमी स्टिच सूट है इसके। यहाँ पे स्लीव्स भी गिवन है, मैं स्लीव्स खोल के नहीं दिखा सकती आपको अभी। यहाँ पे इन्होंने गोटा पत्ती वर्क के साथ साइड में बॉर्डर दिया है जो आप लोगों को यहाँ पे आता है, काफी ज्यादा ट्रेंड में है ये भी। और इसके सूट के नीचे इन्होंने सेम वही गोटा पत्ती यहाँ पे वर्क लगाया हुआ है, मैं दिखा देती हूँ ये देखें। और सबसे अच्छी जो बात है सूट की, इस सूट के अंदर मैचिंग आपको मास्क मिलता है, मैचिंग मास्क है इसके अंदर। और जो इसका मास्टर पीस है, जो मेरे ये सूट का मास्टर पीस है वो है इसका दुपट्टा। सो दुपट्टा इज लाइक दिस, ये है इसका दुपट्टा। दुपट्टे के अंदर तीन शेड आती है, लाइट ऑरेंज के अंदर एंड देन ग्रे, इसके अंदर आती है लाइट शेड, फिर आती है डार्क शेड और फिर आती है ग्रे शेड, तीन शेड के अंदर ये दुपट्टा है मेरा। और मैं आपको एक बार सूट के साथ इसका क्या गेटअप आता है वो मैं आपको लगा के आपको जरूर दिखाती हूँ। सूट ये हो गया और ये मेरा दुपट्टा हो गया, प्रिंट डिजिटल प्रिंट के अंदर इसका दुपट्टा है। और दुपट्टे के अंदर भी गोटा पत्ती वर्क के अंदर चारों साइड बॉर्डर लगा हुआ है, ये नहीं कमी करी हुई है, स्टॉल स्टाइल इसका दुपट्टा, स्टॉल लेंथ पूरी आएगी बट स्टॉल स्टाइल के अंदर है। सो गाइस आप ये सोच रहे होंगे कि इतने सारे सूट हम क्यों लाए हैं, फेस्टिवल्स आने वाले हैं, भाई दूज आने वाले हैं, तो हमने सोचा हम इकट्ठा सब कुछ शॉपिंग कर लेते हैं और गिव अवे भी करना था, तो इस वजह से हम थोड़ा एक्स्ट्रा सूट भी लेकर आ गए हैं। माना कि हम रैंडम पिक करेंगे तो हम वो तो अलग चीज हो गई, बट फेस्टिवल्स की वजह से हम इतने सारे सूट्स लेकर आए, बिकॉज भाई दूज जाएगा तो बुआ जी वगैरह, मतलब सबको पता है रिलेटिव्स में भी देना पड़ता है। सो नेक्स्ट सूट मेरा ये होने वाला है, आप देख सकते हैं इसके अंदर हाथी बना हुआ है, हाथी के साथ इन्होंने पूरा अच्छे से जरदोजी और इस सब की कढ़ाई करी हुई है यहाँ पे, जो कि नई निकलने वाली है, बहुत अच्छे से इन्होंने स्टिचिंग करी हुई है। यहाँ पे इन्होंने उसी सेम कलर में बटन दिए हैं, दूसरे जो मेरा बॉटम का कलर है मतलब कि जो नीचे सलवार का कपड़ा है उसके साथ इन्होंने यहाँ पे पाइपिंग दी हुई है, यहाँ पे करके दी हुई है। ऐसे ही मेरे सूट के नीचे के अंदर भी इन्होंने यहाँ पे पाइपिंग दी हुई है, बहुत डिसेंट सा इन्होंने बॉर्डर दिया है। और इसके अंदर यहाँ पे छोटे छोटे मिरर्स के साथ इन्होंने दूसरे कलर की पाइपिंग करके दी हुई है, जो कि काफी अपने आप में ही बहुत सुंदर लगता है। और इसका मैं बॉर्डर बॉटम आपको दिखा देती हूँ, तो इसका बॉटम इस कलर का आएगा, इस कलर का मेरा बॉटम आएगा। जो इसके दुपट्टा आएगा अब हम उसकी बात कर लेते हैं, दुपट्टा मेरा ये आने वाला है, दुपट्टे की लेंथ बहुत अच्छी है, दुपट्टा ऐसा आएगा
प्रिंट में है, ये फॉइल प्रिंट हो रखा है यहाँ पे। इसके अंदर तीन शेड में दुपट्टा है, ग्रीन, लेमन, ब्लू और सिल्वर कलर का यहाँ पे फॉइल प्रिंट हो रखा है। दुपट्टा काफी बड़ा है, काफी ज्यादा बड़ा बोलूंगी मैं इसको, बड़ा नहीं, और इसकी चौड़ाई भी पूरी है और लंबाई भी पूरी है। ये है मेरा नेक्स्ट सूट जो कि आप देख सकते हो, खादी कॉटन के अंदर ये सूट है। बॉटम में इनकी बाद में दिखाऊंगी, दुपट्टा भी। ये है मेरा सूट जो कि खादी कॉटन, मैंने अभी बता ही दिया, और थ्रेड वर्क के साथ इसके अंदर काम हो रखा है। बॉटम इसका सिंपल सा ही बॉर्डर है, बॉर्डर इन्होंने बस ऐसे पाइपिंग करके लगा दिया है। आगे पीछे से ये सेम रहने वाला है, सेम इसका ये रहेगा। बॉटम है इसकी प्लेन ब्लैक, कॉटन के अंदर इसकी बॉटम आएगी। ये दुपट्टा इसका आएगा, वो भी कॉटन में ही आएगा, स्टॉल स्टाइल इसका दुपट्टा रहने वाला है। ऐसे करके इसका दुपट्टा रहेगा, ये जो कि ऐसा लगेगा, तो ये ऐसा दिखने वाला है, इस कलर के साथ ऐसा ब्लैक कलर का दुपट्टा आने वाला है। सो दैट्स इट। सो नेक्स्ट सूट मेरा ये होने वाला है जो कि काफी सुंदर सूट मुझे लगता है अभी तक का। ये है मेरा बेबी पिंक कलर में सूट, जिसके अंदर सीक्वेंस के साथ छोटे छोटे सीक्वेंस लगे हैं, जिसके साथ धागे गोल्डन कलर के धागे के साथ कढ़ाई रखी है। यहाँ पे इन्होंने बटन्स के साथ ये छोटा सा टेसल दिया हुआ है। नेक इसकी बनी हुई है, अंदर इसके अंदर मैं आपको दिखाती हूँ इस कलर का, क्योंकि सिल्क के अंदर आ रहा है। अगर सेम कॉटन के अंदर होता आप लोग ये बोलोगे कि डिफरेंट कलर है, सेम कलर होता तो अलग बात हो जाती, सेम फैब्रिक होता, आई मीन जैसे कॉटन नहीं है सिल्क है तो इसलिए दूसरा कलर की शेड आ रही है, बट इसके साथ लग के बहुत अच्छा लग रहा है। इन्होंने ये मुझे 4 मीटर दिया है, मतलब कि अस्तर भी इन्होंने इसी के अंदर मिक्स करके दिया, और बॉटम का कपड़ा मतलब सलवार वाला जो पैंट वाला कपड़ा होता है वो भी इन्होंने दिया है। अगर आप चाहें तो इसका शरारा भी बना सकते हो सारे कपड़े का, और टेलर का बोल सकते हो कि आप इसको कॉटन का इसके अंदर अस्तर लगा देना, और सारे 4 मीटर का आप कुछ भी स्कर्ट वगैरह बना सकते हैं। और सबसे इसका सुंदर जो चीज़ है वो है, मुझे लगती है इसका दुपट्टा, दुपट्टा इसका काफ़ी ज़्यादा सुंदर आने वाला है, जो कि ऐसा दिखेगा आपको। बनारसी में इसका दुपट्टा है, 4 साइड्स इसके अंदर ये टेसल्स दिए हुए हैं, इन्होंने इसका ये बॉर्डर लगाया हुआ है, और हॉट पिंक कलर के साथ इन्होंने ये पाइपिंग दी हुई है, तो जो कि मुझे बहुत सुंदर लगा। अगर आप चाहे तो इसके अंदर ऑरेंज कलर का भी बॉटम वेयर कर सकते हैं, या फिर किसी और सूट के साथ भी इस दुपट्टे को इजीली वेयर किया जा सकता है, बिकॉज इसके अंदर हॉट पिंक और ऑरेंज कलर भी आ रहा है। सो नेक्स्ट है मेरा ये ग्रीन कलर का सूट, सारे कलर हमने बहुत ध्यान से चूज करे बिकॉज सारे डिफरेंट है। यहाँ पे इसके सेम कलर के इन्होंने कपड़े वाले बटन्स लगाए हुए हैं, यहाँ पे कलर की पाइपिंग दी हुई है, ग्रीन कलर की पाइपिंग दी हुई है, और नीचे भी इसके अंदर काफी मोटा इन्होंने बॉर्डर दिया है जो कि काफी सुंदर लग रहा है, हटाने की जरूरत भी नहीं है। ऑल ओवर ये सूट सेम आने वाला है, ग्रीन ही इसका इस कलर का ही, कॉटन में ही इसका बॉटम आने वाला है। दुपट्टा मैं आपको दिखा देती हूँ, दुपट्टा भी इसका स्टॉल स्टाइल होने वाला है, जो कि बहुत ज्यादा सुंदर दुपट्टा है। डिफरेंट कलर आ जाएगा, येलो, ग्रीन, लाइट ग्रीन, अलग अलग कलर्स की शेड आ रही है इसके अंदर। इसमें नीचे ऐसे टेसल्स भी हैं, तो ऑल ओवर ये सूट ऐसा दिखेगा इस कलर के साथ, ये दुपट्टा ऐसा दिखने वाला है, आप देख सकते हो। सो गाइस अब बात कर लेते हैं मेरे नेक्स्ट सूट की। ये है मेरा सबसे सस्ता सूट जो मैं अब तक का लाई हूँ। इसमें ये आने वाला है आपके यहाँ पे, मतलब यहाँ पे नेक बन जाएगी, बटन्स के साथ इन्होंने वर्क किया हुआ है, रेड कलर की इन्होंने इसके साथ ग्रे व्हाइट के साथ इन्होंने कढ़ाई दी है, छोटे छोटे, अगर आपको कैमरा में दिख रहे हो तो यहाँ पे छोटे छोटे से स्टोन स्टाइल बटन, मतलब मोती स्टाइल बटन इन्होंने यहाँ पे छोटे छोटे चिपका रखे हैं, स्टोन्स बोलो कुछ भी बोलो। इसमें बॉर्डर इन्होंने कोई मतलब ज्यादा वो नहीं दिया, इन्होंने सिंपल से यहाँ पे बॉर्डर दिया हुआ है जो कि आपको सूट की जैसे ही लगेगा। ब्लैक कलर की इसकी बॉटम है, ब्लैक कॉटन के अंदर इसकी बॉटम है, खादी कॉटन इसका कपड़ा है सूट का। इफ यू वांट गाइस तो आप ना इस रेड कलर की भी बॉटम इसके अंदर पहन सकते हो अगर आप ऐसा सूट लाते हो तो। तो ये मेरा सूट है, और इसका दुपट्टा है स्टॉल स्टाइल दुपट्टा इसके अंदर आने वाला है, ऐसा दुपट्टा आएगा, गोल्डन कलर की इसके अंदर वो बॉर्डर दिया गया है। इसके साथ ये ऐसा लगेगा कलर, ब्लैक, व्हाइट एंड ब्लैक अगेन। सो गाइस नेक्स्ट मेरा ये सूट होने वाला है, जरी का पूरा काम किया हुआ है, सबसे डिफरेंट सबसे प्यारा जो मुझे अब तक पर्सनल फेवरेट सूट लगता है वो ये है। नेक ऑलरेडी गिवन है, बहुत छोटा छोटा, बहुत प्यारा सिंपल सोवर यहाँ पे वर्क किया हुआ है, जो लोग सिंपल सोवर वर्क के ऊपर जाते हैं उनके लिए बेस्ट सूट मुझे ये लगता है। नीचे इन्होंने यहाँ पे इतना मोटा इतना सुंदर वर्क किया हुआ है, बॉर्डर दिया हुआ है, ऑल ओवर सूट सेम है, बॉटम इसकी ये कलर की आएगी, आपको फर्क नहीं पता लग रहा होगा, बॉटम ये वाली इसकी बॉटम है, कॉटन के अंदर ही मोस्टली मेरे सारे सूट्स की बॉटम है। ये इसका पूरा दुपट्टा है जो कि पूरा का पूरा भरा हुआ दुपट्टा इन्होंने दिया है इसके अंदर, जो कि ऐसा आपको दिखेगा। नीचे की साइड में ये पूरा का पूरा ऐसा ही वर्क इन्होंने दिया है, इतना सुंदर इन्होंने वर्क दिया, और साथ में काम इतना देने के बाद ये इन्होंने यहाँ पे इसका बॉर्डर भी दिया है जो कि 4 साइड बॉर्डर है, और ये पूरा पूरा बूटीज 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 जरी वर्क की पूरी चुन्नी भरी हुई है।
नेक्स्ट सूट मेरा है ये कॉटन, रेयॉन कॉटन के अंदर मेरा सूट है। पहले मैं आपको सूट दिखा देती हूँ। ये है मेरा सूट। सूट के अंदर एक खास बात जो मुझे लगती है वो है ये कि इन्होंने जो प्रिंट किया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो जो इन्होंने प्रिंट किया हुआ है उसके साथ इन्होंने उसको आउटलाइनिंग दी है धागे, रेड कलर के धागे के वर्क के साथ, और यहाँ पे छोटा सा ग्लिटर वर्क भी इन्होंने किया हुआ है फॉइल प्रिंट वर्क के साथ जो कहते हैं। सीक्वेंस भी दिया हुआ है यहाँ पे, छोटे छोटे सीक्वेंस भी दिए हुए हैं ऑल ओवर। वैसे इस सूट मुझे बहुत पसंद आता है। इसके बॉटम के अंदर इन्होंने इसी कलर का ये इन्होंने छोटा सा बॉर्डर दिया है रेड कलर की पाइपिंग के साथ। इसका बॉटम आता है रेड कलर के कॉटन में, 2.5 मीटर इसका बॉटम है, ये वाला 2.5 मीटर बॉटम है। और दुपट्टा भी इसका रेड है, बिकॉज इसका बॉटम रेड है तो इसका दुपट्टा भी रेड है। बट लेकिन इसमें एक खास बात ये है दुपट्टे में कि जो इसका सूट का फैब्रिक है सेम उसी फैब्रिक का इन्होंने यहाँ पे बॉर्डर दिया हुआ है। तो गाइस अब बात कर लेते हैं मेरे नेक्स्ट सूट की। नेक्स्ट सूट है मेरा ये जो कि पूरा भरा हुआ है। ये मेरी मॉम को बहुत पसंद आया सूट। इसका बॉटम जो है वो ये कलर का आएगा, यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है ये बॉटम। नेक इसका बना हुआ है, नेक बनवाने की इसमें जरूरत ही नहीं है। बॉर्डर जो इसका आएगा सूट का वो बॉर्डर गोल्डन कलर भी नहीं बोलूंगे, कॉपर गोल्डन के अंदर इसका बॉर्डर है विद 3 स्ट्राइप्स। बहुत हैवी सूट है ये, यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छी कढ़ाई करी हुई है। ऐसी मैं कोई भी कढ़ाई का सूट नहीं लाई जो मेरी उतर जाएगी कल को या मुझे दुख होगा, वो कढ़ाई करी हुई है। क्योंकि यहाँ पे छोटे 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 इन्होंने मोतीज जो है वो स्टिक वाले वो चिपका रखे हैं, आई थिंक चिपकाए हुए हैं। पूरा सूट में यहाँ पे वर्क आएगा खादी कॉटन के अंदर। ये मेरा सूट है पूरा बन के जब ये आएगा तो पूरा हैवी लुक देने वाला है। सूट हैवी है तो भाई इसका दुपट्टा तो लाइट होना ही था। दुपट्टा इन्होंने शिफॉन के अंदर दे रखा है विद दिस बॉर्डर। दुपट्टा आएगा सेम वही क्रीम कलर के अंदर इसका दुपट्टा है, और उसके अंदर ग्रे बॉटम कलर का यहाँ पे कलर दिया हुआ है, मतलब नीचे बॉटम में कलर दिया हुआ है। सो गाइस दैट्स इट। नेक्स्ट सूट है मेरा ये है मेरा ब्राउन कलर का सूट, जहाँ पे इन्होंने ये वही छोटे छोटे जो मोती होते हैं वो वाले चिपकाए हुए हैं। यहाँ पे बहुत सिंपल सोबर सी यहाँ पे कढ़ाई करी हुई है। नेक ऑलरेडी मेरे सारे सूट में मोस्टली बनी हुई है। बटन्स यहाँ पे गिवन है, और इसका बॉर्डर जो आएगा बॉर्डर आएगा ऐसे में इसका बॉर्डर आने वाला है। ये देखो आप बॉर्डर देख सकते हो, ये बॉर्डर है और इसकी रेड कलर की ही बॉटम आने वाली है, रेड कलर की। ये देखो इसकी बॉटम आएगी। और जो इसमें सबसे अच्छी बात है वो है इसका दुपट्टा। दुपट्टे हमारे सारे स्टॉल स्टाइल दुपट्टे हैं, गो रेड और ब्राउन कलर का ऐसा दुपट्टा विद जरी वर्क। ये देखो जरी का वर्क है, खराब वर्क नहीं है, मैं झूठ नहीं बोल रही, स्टॉल स्टाइल वर्क है। स्टॉल स्टाइल मतलब कि जिसके नीचे ऐसे मोस्टली ऐसे होते हैं वो स्टॉल स्टाइल हो जाते हैं। ये दुपट्टा ऐसे में आएगा सूट के साथ, रेड बॉटम है, कुर्ते का कलर ब्राउन है, तो दोनों कलर की शेडिंग हो रखी है। तो अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट सूट की। मेरा नेक्स्ट सूट होने वाला है ये ग्रे कलर का सूट, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगी। ये है मेरा ग्रे कलर का सूट जो कि मेरे को काफी पसंद है। गर्लिश वेयर, गर्लिश के हिसाब से बहुत अच्छा है, ऑफिस वर्किंग के हिसाब से बहुत अच्छा है। और यहाँ पे इसका नेक बना हुआ है ऑलरेडी, कॉटन में मेरा सूट है ये पूरा का पूरा। और यहाँ पे इसमें बॉर्डर दिया हुआ है ऐसा, ये बॉर्डर डिफरेंट, इसमें अस्तर वाला सूट है ये मेरा, अस्तर लगवाना पड़ेगा इसमें। यहाँ पे इन्होंने व्हाइट कलर की पाइपिंग दी हुई है जो मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे आपको। ये देखो पूरा पीछे तक इसमें ऐसा आएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ गले यहाँ पे आगे के फ्रंट एरिया के लिए दे दिया हो। स्लीव्स इसमें बनी हुई हैं, स्लीव्स मैं कैसे दिखाऊं, स्लीव्स ऑलरेडी इसके अंदर यहाँ पे बनी हुई हैं। ग्रे ही कलर का इसका बॉटम आएगा, ये देखो इसका ये ही बॉटम है। दुपट्टा मैं इसका दिखा देती हूँ आपको, दुपट्टा भी इसका ग्रे है और इसमें व्हाइट से कलर का जो इसकी कढ़ाई है उस कलर का इन्होंने 4 साइड बॉर्डर दिया हुआ है। तो गाइज ये थे मेरे सारे अनस्टिच सूट। अब मैं अगली वीडियो जो डालूंगी वो हमारे पार्ट 2 होगा, वो हमारा होगा सारे के सारे सेमी स्टिच्ड और मोस्टली स्टिच्ड प्लाजो पैंट्स वाले सूट्स, कुर्तीज, वो सब हम नेक्स्ट पार्ट 2 में डालने वाले हैं, पर उसके अंदर हम साड़ी भी डालेंगे। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल से जुड़े रहना फॉर पार्ट 2। और चांदनी चौक की मैं बात बता दूँ तो आपको, चांदनी चौक के अंदर क्या सीन चल रहा है, चांदनी चौक के अंदर ना शॉप्स तो सारी ओपन है, भीड़ भी बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कोरोना के बाद कोई शॉप बंद है या कोई सर्विस कम हो गई है, सर्विसेज वैसी की वैसी है। बट वहाँ पे जाने में एक प्रॉब्लम है, अगर आप मेट्रो स्टेशन से जाते हो तो टाउन हॉल की साइड जो गेट नंबर 1 का एग्जिट है वहाँ से उन लोगों ने उसकी एग्जिट करी हुई है। अगर आप जैसे जाने वाली साइड की एग्जिट वहाँ से है, और अगर आप चांदनी चौक से मेट्रो लोगे तो उसकी साइड, उसकी मंदिर वाली साइड है जो वहाँ का मेट्रो स्टेशन खुलता है, गेट खुलता है, वहाँ से उसकी एंट्री उन्होंने चांदनी चौक की साइड से दे रखी है।
जो कि काफी दुकानदार बोल रहे थे उनके लिए खराब है, वो तो उनका अपना पर्सनल है। कंस्ट्रक्शन वहाँ पे चल रही है तो काफी ज्यादा धूल है वहाँ पे, इसलिए हम वहाँ पे गए थे, हम वीडियो शूट नहीं कर पाए बिकॉज वहाँ पे एक तो इतना रश था प्लस धूल थी, तो वो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया था। और सबसे मेन बात यह है वहाँ पे वीडियो, वहाँ की वीडियो हम इसलिए शूट नहीं कर पाए क्योंकि ना शॉपकीपर्स और जो वहाँ के दुकानदार होते हैं वो ना वहाँ पे वीडियो नहीं बना देते, वो सोचते हैं वीडियो बनाने आए हैं हमारा सामान नहीं खरीदेंगे तो इसका मतलब ये तो टाइम पास करेंगे। और वो ना जो बंदा बोलता है ना वीडियो बनानी है हमें ऐसा कुछ है, अगर वो कोलैबोरेशन नहीं करते हैं तो वो लोग ना सामान भी ज़्यादा नहीं शो करते हैं अपना, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है उनका सामान फिर दूसरा बंदा कॉपी कर लेगा, इसलिए वहाँ पे वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और अभी इस टाइम पे इतना फेस्टिवल की वजह से रश इतना ज्यादा हो रखा है कि वहाँ पे नॉर्मल सड़क पे चलते हुए वीडियो बनाना बहुत मुश्किल है। आप नहीं चलोगे, आपको लोग चलाते हुए ले जाएंगे, आपको चलने की जरूरत नहीं है वहाँ पे जाके। और सेकंड वीडियो आपको पार्ट टू में इसलिए बोली जा रही है बार बार पार्ट टू के लिए वेट करो, क्योंकि इसके अंदर हम बता देंगे कि ये जो हमने गिव अवे किया है वो किसको मिलने वाला है। सो गाइस चैनल के साथ जुड़े रहना, पार्ट टू का वेट करना, क्या पता हो सकता है कि आप ही वो हो और ऐसे गिव अवे अब आते रहेंगे बिकॉज हम चाहते हैं कि जैसे हमारे 2000 सब्सक्राइबर्स हो जाए हम तुरंत करें, तो प्लीज गाइस हमारे लिए 2000 सब्सक्राइबर्स जल्दी से जल्दी करा दो, जो प्रोसेस इतना स्लो चल रहा है उसको जल्दी जल्दी बढ़वा दो। सो गाइस दैट्स इट, वीडियो को एंड करते हैं, वीडियो बहुत बड़ी हो गई है आई नो। और कमेंट्स करना वही है, सीरियल्स नंबर जो हम यहाँ पे साइड में नंबर गिवन करेंगे वो नंबर और अच्छा सा कमेंट हमारा रैंडमली चूज करने वाले हैं। सो दैट्स इट।